दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं, इस धरती पे जितने भी पेड़ पौधा है, ये देख रहे हैं, ये आम का पेड़ हो गया, ये आम का पेड़ हो गया, इसको देखिए, आम का पेड़ है। तो ये जो है गर्म पेड़ होता है, तो इस धरती पे गर्म पेड़ भी चाहिए और ठंडा भी पेड़ भी चाहिए। इस जगह हम खड़े हुए थे एक बार, तो इस पेड़ से लकवा दाहिने अंग में मार देता है, और वो देखिए पेड़ जो है वो वाला दिखता है, वो ठंडा पेड़ है, वो नीचे थोड़ा जंगल है इसीलिए नहीं जा रहे हैं, वो वाला बहुत ठंडा पेड़ है। तो उस पेड़ को अगर आप लोग लगाएंगे तो उससे भी हानि करेगा और इससे भी हानि करता है। तो अगर आप लोगों को अगर बाएं फालिस किसी को मार दिया है, तो ठंडा पेड़ के पास में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जैसे कि ये गर्म पेड़ है, उसके पास में ये रखना चाहिए पेड़। और जिन लोगों को कोई बीमारी नहीं है, उनको कोई भी पेड़ जो है वो अच्छा वाला लगाना चाहिए घर के आसपास। ये देखिए आम का पेड़ है, ये आम का, तो भारत का राष्ट्रीय फल तो आमे है, लेकिन इसमें भी बहुत प्रकार की आम है, 7 प्रकार की आम होती है। और जिनकी आंतों की रेशा मर जाती है, यानी जंडिस के कारण उनको आम जो है वो खूब खाना चाहिए, चूस चूस करके। जो लोग आम नहीं खाते हैं, उन्हीं लोगों को अगर समझिए कि एक बार अगर आपको जंडिस हो गई, तो आपको आम जो है वो रेशा वाला आम चूस चूस करके खाइएगा, तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और आंते की रेशा जो है वो फिर वापस आ जाएगी। अगर आप आम नहीं खाएंगे तो आंतों की रेशा जो है वो नहीं आएगी वापस। क्या आम खाइए, नहीं तो दही खाइए, दो चीज़ में से एक चीज़ खाइए, लेकिन 100% विश्वास है कि आम खाइएगा चूस चूस करके, तो आपको ये आंतों की रेशा फिर वापस आ जाएगी और नया बन जाएगा। लेकिन गर्म चीज़ का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जंडिस हो जाने के बाद में गर्म चीज़ खाने से तरह तरह की बीमारी होती है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माता दुर्गा जी की कृपा से आप लोग के घर में खुशियाँ मिलती रहे। देखिए दोस्तों, ये गेहूँ का बाल जो है वो कितना बड़ा बड़ा हुआ है, ये आगे लग गया है। थैंक यू दोस्तों।